मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करा अपने फादर को देखते हुए एंड ये सीखते हुए कि कैसे अगर हम लोग को अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, अगर सिर्फ हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट किसी के अंडर कर रहे हैं तो हम लोग अपने ड्रीम्स नहीं फुलफिल कर सकते, जिसको करने के लिए जैसे मेरे फादर को हमके अपलाइन ने मोटिवेट करा, अभय सर ने मोटिवेट करा, और उनको देखते हुए जैसे मेरे फादर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वैसे मैं भी स्टडीज़ के साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नया सीख सकूँ और अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकूँ एंड और नए लेवल्स अचीव कर सकूँ। सो वी आर इन द बिजनेस ऑफरिंग पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड एमवे का स्लोगन है, लोगो है। वाई इस बिज़नेस में, जैसे कि मुझे बेकिंग बहुत पसंद है तो अगर मुझे केक बेक करना होता है मैं रोज़ नहीं करूँगी, बट अगर मुझे एक रीज़न मिल जाए कि किसी का बर्थडे है या फिर मदर्स डे था उस पर मैंने बेक करा तो एक एक्साइटमेंट ही अलग होता है, हम लोग उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर वाई क्लियर है तो हाउ अपने आप हो जाता है। वैसे ही इस बिज़नेस को क्यों करें, इससे पहले कैसे करें, इससे पहले क्यों करें, ये जानना ज़रूरी है। उसके लिए आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं तो हम लोग को ये बिज़नेस में ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ड्रीम्स क्या हो सकते हैं? एक अच्छा घर, जो हर एक इंसान या हर एक व्यक्ति के लिए एक सपना होता है कि अच्छा घर हो, कि वो एक ही घर में अपनी पूरी लाइफ, एक ही रूम में अपनी लाइफ ना पूरी व्यतीत करते, अलग एक लिविंग रूम हो, एक डाइनिंग रूम हो, सब अलग हो, एक अच्छी लग्जूरियस कार या बाइक, एक फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एक रिलैक्स टाइम, एक बहुत जो प्रेशर रहता है चाहे वो एक एमएनसी में काम करने का हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, एक प्रेशर रहता है, लोग अपने टाइम नहीं अपने लिए निकाल पाते हैं, और अपने पेरेंट्स के चाहे जैसे कि पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराना या एक पेरेंट्स को टाइम देना, वो नहीं कर पाते हैं अगर हम लोग एक जॉब कर रहे हैं, जो टाइम हम लोग को यहाँ इस बिज़नेस में मिलता है। तो आज हम लोग इस बिज़नेस में जानेंगे कि कवर अप करेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, मनी फार्मूला है जो पावर ऑफ सिस्टम बेस्ड इनकम एंड लिमिटेशन इन एक्शन बेस्ड इनकम, अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग की, ये बिज़नेस हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और कैसे हम लोग क्रिएट करें सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट कर सकते हैं, इस कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू, वेयर इज़ द ह्यूज मनी एंड हाउ कैन वी मेक फ्रॉम देयर। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये एक एक बिलीनियर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है, उसमें इन्होंने मेंशन करा है इनकम ऑफ फोर लीगल वे, दो टाइप की इनकम है, दो टाइप के क्वाड्रेंट्स हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो लेफ्ट साइड में है वो है ई एन एस में है, जो जिनको हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, और जो राइट साइड है वो है बी एन आई मीन्स बिग बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो इनकम क्रिएट करते हैं एंड राइट साइड वाले एसेट क्रिएट करते हैं। जो लेफ्ट साइड में है मींस एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके पास अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो मनी नहीं मेकअप कर सकते हैं, उनके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड मनी होता है, मनी अगेंस्ट टाइम एंड एफर्ट। और स्मॉल और एस वाले, जैसे कि जो एम्प्लॉयड होते हैं जो जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर छोटा बिजनेस कोई दुकानदार हुआ या छोटा बिजनेस जो चलाते हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो राइट साइड है वो है बिग बिजनेस ओनर्स, जो एक सिस्टम बनाकर कि उनके अंडर ई एंड एस वाले काम करते हैं, वो लोग इंक्लूडेड होते हैं उनके अंडर, वो हो गए बिग बिजनेस वाले लोग। और फिर आते हैं आई इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरों की लाइफ अच्छी करने में, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपने साथ साथ दूसरों के भी लाइफ सिक्योर कर सके, उनका ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए उनको मौका दे। अगर हम लेफ्ट पे खड़े हैं और हमें राइट जाना है तो हम लोग लेफ्ट में रहते हैं, हम अगर हम लोग लेफ्ट में हैं तो हम लोग लाइफ के मज़े नहीं उठा सकते हैं। अगर
हम लोग राइट के बारे में एक माइंडसेट हम लोग ऐसा बना लें तो हम लोग अपने आप लाइफ एंजॉय करने लगेंगे और लाइफ चेंज होने लगती है। जो लेफ्ट साइड में है वो हो गए 95% ऑफ पीपल और उनके पास 5% वेल्थ होता है, और जो राइट साइड होते हैं वो सिर्फ 5% ऑफ पीपल होते हैं जो 95% ऑफ वेल्थ क्रिएट करते हैं। जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनके पास वो जब तक एक्टिव, जब तक वो काम कर रहे होते हैं, वो एक इंडिविजुअल होता है, तब तक वो मनी क्रिएट कर पाता है। और वेयर एज राइट साइड वाला पैसिव इनकम क्रिएट करता है और वो अपने अंदर टीम क्रिएट करता है, नेटवर्क बनाता है। जैसे कि अगर हम लोग देख लें अम्बानीज हो गए या फिर मिस्टर अम्बानी, मिस्टर टाटा बिरला, उन्होंने अपने नीचे काफ़ी बड़े नेटवर्क्स बना रखे हैं। इस वजह से आज वो बिलीनियर्स हैं, वो 5% ऑफ पीपल में आते हैं जो 95% ऑफ वेल्थ क्रिएट करते हैं। उनके पास काफ़ी टाइम है, स्पेयर टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए और दूसरों के लिए भी। जैसे कि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए लेफ्ट साइड वाले, वो लोग अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं। वेयर एज जो राइट साइड वाले हैं वो जैसे अंबानीज एंड टाटा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मैनकाइंड के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। एंड दोज आर द 5% ऑफ पीपल, उनके पास इतना वेल्थ है। जो लेफ्ट साइड ऑफ वाले लोग हैं वो स्ट्रेस वाली लाइफ जीते हैं। जैसे अगर हम लोग टोटल कोविड को ही लेके देख लें कि इस टाइम पे अगर हम लोग बिजनेस कोई शुरू करना चाहे ये वाला, तो देखकर कि कैसे वो स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं, और फ्रीडम वाली जो लाइफ है वो राइट साइड ऑफ पीपल स्पेंड करते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कि टाइम लिमिट है या मनी लिमिटेड है। अगर हम लोग एक और फॉर्मूले के साथ देख लें, दैट इज़ द मनी फार्मूला, दैट इज़ रेट इनटू टाइम। अगर हम लोग टाइम के ऊपर कैपिंग हो जाती है जो लेफ्ट साइड वाले पीपल हैं कि उनका टाइम लिमिट हो जाता है, तो उनका रेट मतलब जो वो मनी क्रिएट या फिर सब कुछ जो भी उनके काम होते हैं वो भी कैपिंग उस पर हो जाती है, तो मनी अपने आप लिमिटेड हो जाता है, उस पर भी कैपिंग लग जाता है। और वहीं अगर राइट साइड वाले जो पीपल हैं उनका मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कि जितना ज़्यादा मनी होगा उतना ज़्यादा टाइम उनके पास होगा, कम टाइम में ज़्यादा पैसा, मतलब कि जो उनके नेटवर्क में जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी उनके में वो ऐड हो जाएगा, उनका टाइम, उनके एफर्ट्स एंड वो वाला मनी भी उनका डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। और फिर इसको देखते हुए हम लोग के दिमाग में या फिर हम लोग के सामने एक आता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कि जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा अच्छा हम लोग ये बिज़नेस डेवलप, ये बिल्ड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा एक ट्रेडिशनल बिजनेस को नहीं देखकर एक डायरेक्ट सेलिंग का ऑफर प्रोवाइड होता है इस बिज़नेस के थ्रू। एंड दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग देखा जाए तो हमारे सामने ये आता है, जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने, दैट इज़ एक्शन बेस्ड इनकम एंड सिस्टम बेस्ड इनकम। एक्शन मीन्स जब तक आप काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आपको मनी मिल रहा है। वेयर एज सिस्टम बेस्ड, कि जब तक अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आप 1 week की हॉलीडे पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, बट आपका नेटवर्क काम कर रहा है, आपके नीचे जितने लोग हैं या फिर आपके जो नेटवर्क में लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं, तो भी आपको इनकम प्रोवाइड हो रही है। जैसे कि इस पैंडेमिक में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग स्ट्रेस में हैं, वेयर एज अगर कोई भी कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बट जो कंपनी का लीडर है वो अगर घर पे बैठा हुआ है इस पैंडेमिक में, तो भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, मनी आ रहा है। तो मनी फार्मूला जो है, दैट इज़ मनी इज़ इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट क्या होगा? जो हम लोग की ज़िंदगी भर में हम लोग अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं, दैट इज़ एजुकेशन, बचपन से लेके जो हम लोग ने सीखा, स्किल जो हम लोगों ने हर एक लेवल पे सीखा, जो एजुकेशन के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहा है हर साल जैसे जैसे सीखते चले जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल रेट। एंड अगर टाइम पे, और टाइम हम लोग के पास सबके पास बराबर है, दैट इज़ 24 आवर्स,
जिसमें अगर सोना भी आता है, खाना भी आता है एंड वर्किंग भी आती है. अगर टाइम पे कैपिंग हो जाती है तो रेट पे भी हो जाता है एंड मनी अपने आप लिमिट हो जाता है टाइम कम की वजह से, रेट कम की वजह से. अगर हम लोग लीवरेजिंग कर देते हैं टाइम एंड एफर्ट्स की, तो हम लोग के पास अनलिमिटेड टाइम एंड अनलिमिटेड एफर्ट्स हो जाएगा, जिस वजह से अनलिमिटेड इनकम हो जाएगी. और नेटवर्क टेक्नोलॉजी और इससे हम लोग को मिलेगा एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जो एक बिजनेसमैन को बोला जाएगा कि अगर वो राइट साइड ऑफ पीपल में आएंगे, एंड दोज आर कॉल्ड द रियल बिजनेसमैन. अब हम लोग देखते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी से हम लोग को क्या मिलता है. डायरेक्ट सेलिंग, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसका मौका हम लोग को एमवे ग्लोबल देता है, बहुत अच्छी तालियां हम लोग बजाना चाहेंगे मैं इसके स्टार्ट करने से पहले. एंड ये जो है, ये स्टार्ट करा गया था दो फ्रेंड्स के साथ, रिच डिवॉर्स एंड जे वैन एल्टन. ये पहले जॉब करते थे सबकी तरह, बट इन्होंने सोचा दैट अगर डायरेक्ट सेलिंग करी जाए तो कैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड पे कोई पर्सन आ सकता है, कैसे वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है. आज के टाइम पे ये ओवर 110 कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, कंट्रीज एंड टेरिटरीज में. 80,000 crores इसका टोटल टर्नओवर है ग्लोबली, 450 ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. एक ये टोटली डेट फ्री कंपनी है, 1100 पेटेंट्स एंड 800 पाइपलाइन फॉर पेटेंसी. इंडिया में ये 1998 में सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू हुआ था, और अब इसके पास 160 प्रोडक्ट्स लॉन्च हैं अलग अलग कैटेगरीज में. वो कैटेगरीज आपको दिख रही हैं. अगर हम लोग कोविड के टाइम पे देखें कि हम लोग ने कितना कुछ यूज़ कर लिया है, तो उसमें सबसे ऊपर आएगा न्यूट्रलाइट. इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल हैं. न्यूट्रलाइट में बहुत से हैं, अगर ऑर्गेनिक है टोटल, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है, कि कम वैल्यू में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है. 100% मनी बैक गारंटी है. ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो ये कह दे कि अगर आप यूज़ करके आप वापस करें, अगर आपको पसंद नहीं आया या आपको फ़ायदा नहीं किया, और आपको 100% मनी बैक गारंटी नहीं देती है, बट एमवे देता है. बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये. न्यूट्रिशन और वेलनेस में है, हर्बल ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं जैसे कि मैंने बताया, तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी. ब्यूटी एंड स्किन केयर के लिए आपके पास आर्टिस्ट्री है, एटीट्यूड है. होम केयर के लिए एमवे होम है, जैसे कि आजकल हम लोग परस्यू डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं अपने होम को क्लीन करने के लिए. पर्सनल केयर के लिए है ग्लिस्टर है, पर्सोना है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए एप्सा 80 है. वेट मैनेजमेंट के लिए पॉजिट्रिम, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है. कुकवेयर के लिए है एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, फिटनेस ड्रिंक. अब हम लोग आते हैं जल्दी से देखते हैं कि वॉट इज़ दिस बिजनेस ऑल अबाउट. अगर हम लोग कोई मैन्युफैक्चरर को देखते हैं जो कि 35-40% क्रिएट करता है, और वो हम लोग तक आते, उसकी जो वैल्यू होती है मैन्युफैक्चरर की, दैट इज 35-40%, हम लोग तक आते आते 100 रुपीज़ हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो बीच का टाइम पोर्शन है, दैट इज द 60%, वो कौन ले जाता है? मिडिल मैन, एडवर्टीजमेंट के लिए. जैसे कि अगर किसी भी कोई ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करने के लिए कोई हीरो हीरोइन हो गए, तो वो बीच का 60% ले जा रहे हैं. एडवर्टाइजिंग वाले ले जा रहे हैं. और जो हम लोग 60% एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो अगर हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि ये बिग बाज़ार या स्पेंसर्स, वॉलमार्ट, ऑनलाइन मार्केट वाले भी कह रहे हैं, तो वो लोग भी हम लोग को कोई इनकम नहीं प्रोवाइड करते हैं. वो भी एक जगह से, उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वो एक बस एक मीडियम होते हैं वो 60% लेने के लिए, जो हम लोग पे करते हैं. हम लोग को बहुत ही कम ऑफर्स वो लोग देते हैं, बट उससे हम लोग को कोई इनकम नहीं हो रही है. और वो इनकम प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास है एमवे, जो एक डायरेक्ट सेलिंग का पूरा फॉर्मूला हम लोग को देगा, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड करेगा. जैसे कि घर बैठे अगर कोविड के टाइम पे किसी को मेडिसिन कोई जा के नहीं ले पा रहा है,
तो एमवे न्यूट्रलाइट की प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी एमवे का प्रोडक्ट उसको घर बैठे मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, सर्विस प्रोवाइडर है और इनकम अपॉर्चुनिटी का भी बहुत अच्छा एक सोर्स है जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा और इससे हम लोग 60% सेव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रोज्यूमर वाली, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, कि हम लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो मनी इनकम की मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ उसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है इनकम। 35-40% मैन्युफैक्चरर, उसमें GST भी इंक्लूड होगा, 6% रिटेल प्रॉफिट होगा, 8% कैश बैक होगा, 3-21% बोनस प्लस कोर प्लस एंड 11% लीडरशिप और बिग बोनसेस जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। अगर हम लोग ये चार्ट देखें जो कि 21% वाला चार्ट है जिसमें 1 PV इज इक्वल टू 80 रुपीज़, अगर 200 PV हम लोग क्रिएट कर देते हैं एक मंथ में, मतलब हम लोग 3% लेवल पे हैं, मींस 20,000 का टर्नओवर हो रहा है। अगर 600 PV तो 6% लेवल 60,000, 12 अगर हम लोग 120,000 का कर रहे हैं तो हम लोग 9% लेवल पे हैं, मींस 1200 PVs, 2400 PV 12% लेवल 2,40,000, 4,000 का 15% लेवल पे 4 lakhs, 7,000 PVs मींस 18% एंड 7 lakh एंड 10,000 PVs मींस 21% लेवल पे हैं एंड 10 lakhs का टर्नओवर होगा। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि अगर हम लोग कोई एक पर्सन स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, अगर आपको एमवे ज्वाइन करना है तो आपको एक KYC प्रोवाइड करनी होगी। आप किसी स्पॉन्सर या अपलाइन के थ्रू, जैसे कि मेरे स्पॉन्सर अपलाइन मेरे फादर हैं, वैसे ही उनके स्पॉन्सर गोपाल सर हैं, ऐसे ही कोई ना कोई आपका अपलाइन या स्पॉन्सर होगा और फिर हम लोग के सामने आएगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड, एमवे हम लोग को इस बिजनेस में ऐड कर रहा है, बट बिजनेस करना कैसे है वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड हम लोग को सिखाता है, जिसमें जो फंक्शंस इन जूम मीटिंग्स के थ्रू, जैसे कि आज की हमारी ये जूम मीटिंग, सीडीज हैं, स्मार्ट टच हैं, एप्स हैं, बुक्स हैं बहुत अच्छी, जैसे कि लॉन्च योर फ्यूचर जो कि हम लोग की गीता कुरान कुछ भी कह लें, सब कुछ आपको कैसे बिजनेस बिल्ड करना है ये सिखाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि किसी ने 10,000 का टर्नओवर करा तो उसको 1,800 का एक मंथ में प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें कि CSI और कैशबैक इंक्लूडेड है। अगर कोई एक पर्सन अपने अंदर उसको पसंद आ जाता है, इस बिजनेस में रहना चाहता है और अपने अंदर और 6 लोगों को स्पॉन्सर करता है और वो 6 लोग सब लोग 10,000 का टर्नओवर करते हैं प्लस वो आप एक खुद, तो आप 70,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, आप आ गए 6% लेवल पे, तब आपको क्या मिलेगा 4,200 एंड कैश बैक जिसमें PC परचेज भी इंक्लूडेड होगा एंड तब आपको प्रोवाइड होंगे 5,400 का आपको इनकम मिलेगा। अगर वो 6 लोग अपने अंडर 4 लोगों को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं तो 31 टोटल लोग हो गए और सब लोग 10,000 का टर्नओवर कर रहे हैं एक मंथ में, तो 3,10,000 का हो गया, मींस 12, अब आप आ गए 9% लेवल पे, जिसमें कि 3% वाले उसमें से 12 वाले में से माइनस कर दें और आपका जो इनकम हो जाएगा दैट इज 27,900 प्लस 4,200 एंड अब आपका एक लेवल आ जाता है 15%, दैट इज द BFI ब्रॉन्ज फाउंडर इंसेंटिव एंड अब आपका जो इनकम होगा दैट इज 32,100। अगर वो 4 लोग अपने अंडर 3-3 लोगों को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं तो टोटल हो गए 103 लोग और सब अगर 10,000 का कर रहे हैं तो 10,30,000 का हो गया लेवल, हो गया 12% एंड जिसमें कि 1,23,600 का इनकम प्लस 43,200 एंड जिसमें BBI भी इंक्लूड हो गया, लेवल भी आ गया एंड आपका इनकम हो गया 1,66,800। अब आप यहाँ से आपको एक पिन मिलेगी दैट इज़ दी सिल्वर प्रोड्यूसर आप कहलाएंगे एंड ये जो सिल्वर प्रोड्यूसर है अगर इसको 3 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो उसको गोल्ड प्रोड्यूसर कहेंगे, 6 मंथ तक कंटिन्यू है तो प्लैटिनम
एंड 12 मंथ्स तक है तो फाउंडर प्लैटिनम, यहाँ से आपको ट्रिप्स मिलना शुरू हो जाएंगी, आपका एक प्रॉपर रिकग्निशन होगा, आपको दूसरे बिजनेसेस में शायद ना होता हो बट यहाँ पर आपका एक अच्छा सा रिकग्निशन होगा, आप अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा। अगर फाउंडर प्लैटिनम का हम लोग देखें तो एवरेज ईयरली इनकम हो गया 15 लाख। अगर ये जो 21% आप 6 में से कोई एक 21% लेग पर आ गया तो उसका 6% उसका वॉल्यूम, ऐसा नहीं है अगर फर्स्ट पर्सन 21% लेवल पे है तो अगर कोई जो 6 में से अगर 21% लेग बन गया तो ऐसा नहीं है कि उसका टोटल इनकम उसको मिलेगा, आपको कुछ नहीं, तो उसका भी 6% फर्स्ट पर्सन को मिलेगा जो कि हो गया मिनिमम 48,000 इनकम हो गया। अगर फाउंडर एम्ब्रॉयड का देखें दैट इज 45 लाख पर ईयर का उसका इनकम होगा एंड फाउंडर डायमंड का 86 लाख पर ईयर का होगा। अगर अगर उन 6 में से कोई 1% 21% लेग पर है तो उसको फाउंडर प्लैटिनम कहेंगे, 3 लोग हो जाएंगे तो फाउंडर एमरल्ड हो जाएगा वो फर्स्ट पर्सन एंड अगर 6 हो जाएंगे तो फाउंडर डायमंड हो जाएगा वो फर्स्ट पर्सन। ये जो एक सैलरी होती है वो बहुत मुश्किल से किसी एमएनसी में मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में तो इम्पॉसिबल आप समझिए, बट अगर इसको साइड बिजनेस के आप एज यू बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो वॉट सैलरी वॉट एन इनकम। अब हम लोग को क्या, मैं जल्दी से बता देती हूँ वाइंड अप करने के लिए नेक्स्ट क्या करना होगा। अगर साइन अप करना है एमवे के साथ एज ADR तो KYC प्रोवाइड करना है, आधार पैन बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करनी है, और दो चीज़ें हैं जिसमें कि 90% है वाई कि क्यों हम ये बिजनेस करें, हाउ 10% अपने आप हो जाएगा। वाई मैंने जैसे स्टार्टिंग से बताया, अगर आपको ड्रीम्स अपने फुलफिल करने हैं तो आपको एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, जो एसोसिएशन बनाने के लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको सिखाएगा, फंक्शन जूम मीटिंग्स ब्रिज के थ्रू सीडीज सुने, आपके हाई लेवल वाले जितने भी लीडर्स हैं उनकी मोटिवेशनल सीरीज बुक्स रीड करें, 100% प्रोडक्ट यूज़र बने और लिस्ट बनाए फ्रैंक लिस्ट दैट इज़ फ्रेंड्स रिलेटिव्स एसोसिएट्स एंड कलीग्स का, और उसके बाद आपका जो 10% है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि आज का दिन इज थर्सडे दैट इज़ गुरुवार, तो मैं अपने गुरु एंड अपने लीडर्स को थैंक यू करना चाहूँगी मुझे ये मौका देने के लिए, इस बिजनेस में ऐड करने के लिए। एंड बैक टू द होस्ट।